हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, अभी एक दो दिन से क्लास नहीं आ रही थी, उसके लिए माफ़ी। और क्योंकि टेक्निकल कुछ इशू आ गया था, आपको पता ही है, ऑनलाइन में थोड़ा सा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, अभी आपका कोर्स मैं सबसे आगे लेके चल रहा हूँ, ठीक है? तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो हमारा पीछे अभी 2-3 दिन छुट्टी हुई है, तो उसे हम रिकवर कर देंगे, ठीक है? तो आइए आज शुरू करते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 7.3 पे थे हम लोग, और इक्वेशन तक वाले क्वेश्चन हमने कर लिए थे, ठीक है? आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? 9th, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9th से पहले, क्वेश्चन नंबर 9th से पहले मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 14 कराना चाहता हूँ, ठीक है? ताकि आपको सारी कंडीशन क्लियर हो जाए। जैसे आप एग्जाम्पल नंबर 14 निकालिए बच्चों, उसमें लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द गिवन वर्ड डॉटर। लीजिए भाई, द गिवन वर्ड इज डॉटर, ठीक है जी? डॉटर ये दिया हुआ है, ठीक। अब अगर देखा जाए तो हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन गिवन वर्ड। बताओ बच्चों, गिवन वर्ड में कितने लेटर हैं? 3, 3, 6 और 2 8 लेटर हैं। अब हमें ये देखना है आगे इसने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने पूछा है ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर, और दूसरा ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। ये पूछा हमसे, ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, और क्या पूछा दूसरा, ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। आइए तो शुरू करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अब दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है भाई कॉन्सोनेंट, एक होता है भाई वॉवल। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स इन गिवन वर्ड। हाँ भाई, तो कौन कौन वॉवल है? ए है, यू है, ई है, क्योंकि ए आई ई ओ यू, ठीक है? ए ई आई ओ यू ये होते हैं वॉवल्स। तो ए, यू और ई, यानी कि 3 वॉवल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन गिवन वर्ड कितने हैं बच्चों? जो 8 में 3 है तो बचे कितने? 5, ठीक है? अब इसने बोला है भाई कि अरेंजमेंट दिखाओ ऑल वॉवल्स टुगेदर और ऑल वॉवल डू नॉट अकर टुगेदर। तो सबसे पहला काम होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, यूजिंग ऑल लेटर्स, यूजिंग ऑल लेटर्स। सारे लेटर्स को यूज कर लिया बच्चों, और सारे लेटर को कैसे यूज कर सकते हैं? 8 लेटर है, 8ों को यूज कर दिया, तो 8 फैक्टोरियल, ठीक है जी? 8 फैक्टोरियल को जरा ओपन कीजिए बच्चों। अगर 8 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ये जल्दी बताना। 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। बच्चों देखो, 7 तक तो 5040 होता है, अब 8 से कर लेंगे, 0 32 40, तो यानी 40320, ये आ गया हमारा 8 फैक्टोरियल, ठीक है? नाउ अब पहली कंडीशन निकालेंगे, ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, ठीक है जी? जब सारे वॉवल एक साथ मूव करें। अब एक बार बताओ बच्चों, ध्यान से सुनना, अगर मैं सारे वॉवल्स को एक तरफ कर लूं, तो डी ए और यू वॉवल है, छोड़ो जी, जी एच टी ई भी वॉवल है, छोड़ो जी, आर, अंदर कौन बचा? ए यू ई। यानी देखो, ये सारे कॉन्सोनेंट मैंने एक तरफ ले लिए, और ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, तीनों वॉवल्स को मैंने एक साथ ले लिया। अब मुझे जल्दी से बताइए इसकी अरेंजमेंट क्या होगी। तो देखो बच्चों, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और इस पूरे को मैंने सिंगल यूनिट मान लिया, 6। इस पूरे को सिंगल यूनिट क्या मान लिया मैंने? 6। तो प्यारे बच्चों, इस पूरे का अरेंजमेंट जो बनेगा, इस पूरे का जो अरेंजमेंट बनेगा वो बनेगा 6 फैक्टोरियल।
लेकिन बच्चों 6 फैक्टोरियल तो ये पूरा एक यूनिट है, ये इधर उधर, लेकिन एक बात बताओ ये आपस में भी तो इधर उधर होंगे। जरूरी है क्या ए से ही शुरू करें, ई से भी शुरू कर सकते हैं, यू से भी शुरू कर सकते हैं। जरूरी है कि यू बीच में हो, ई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। जरूरी है कि ई लास्ट में हो, नहीं जी ए भी हो सकता है, यू भी हो सकता है। मतलब 6 फैक्टोरियल का मतलब हुआ इन सबको आपस में इधर उधर अलट पलट करना है, लेकिन मैं मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल भी लिख रहा हूं। क्यों? ताकि क्योंकि इस 3 लेटर को भी तो आपस में क्या कर सकते हैं, इधर उधर अलट पलट कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ए ही शुरू होगा और ई ही एंड होगा। ठीक, तो इसलिए मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल। अच्छा, अब मल्टीप्लाई ही क्यों लगाया? तो बच्चों बात इसलिए, ये इसलिए लगाया क्योंकि हमारा यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ था। 6 फैक्टोरियल लगाने के बाद काम खत्म नहीं हुआ, इसके ऊपर काम रह गया। तो जब भी हमारा काम बच जाए और काम कंप्लीट करना हो तो परमुटेशन में लगाते हैं क्या भाई, मल्टीप्लाई। और अगर काम कंप्लीट हो के नई कंडीशन बनानी हो तब प्लस लगाते हैं। तो यहां पे हमने कोई नई कंडीशन तो बनाई नहीं, उसी कंडीशन में एक नई कंडीशन लगाई, तो इसलिए मल्टीपल। तो 6 फैक्टोरियल कितना होता भाई? 6 होता है 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और 3 होता है 3 गुना 2 गुना 1। तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 720 गुने में 6 0 12 और 1। हाँ भाई, 6 7 42 और 1 43, ये आ गया। ये है ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। अब आपसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट, सेकंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन ऑल वोवल्स डज नॉट, ऑल वोवल डू नॉट अकर टुगेदर, डू नॉट अकर टुगेदर। तो बस बात खत्म। ऑल अरेंजमेंट, ऑल अरेंजमेंट माइनस अकर टुगेदर, अकर टुगेदर है अरेंजमेंट। हाँ जी, तो ऑल अरेंजमेंट कितनी है? 40,320, और अकर टुगेदर की 4,320। तो नॉट नॉट अकर टुगेदर 0 0 2 से 0 3 से 3, 1 दिया 10 में से 4 गया 6 और ये 3, तो यानी 36,000। कितना आ गया बच्चों? 36,000। करिए, ठीक है, करिए इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर आपको मैं कराता हूं 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9। नोट करो बच्चों, नोट करो इसे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा भाई हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, वही फिर से विद और विदाउट मीनिंग, कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर मंडे, यानी द गिवन वर्ड इज। हां जी, मंडे। टोटल नंबर ऑफ लेटर इन गिवन वर्ड 6। एक मिनट बच्चों, नोट करना।
हाँ जी तो बच्चों आपके सामने वर्ड है मंडे और लेटर है इसके अंदर सिक्स। लेटर कितने इसके अंदर? सिक्स। और प्यारे बच्चों अब आपको इसमें निकालने के लिए बोला गया है क्या? फोर लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम। ठीक है जी, पहला अरेंजमेंट, फोर लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। हाँ जी, तो जब चार लेटर यूज करने हैं तो हमारे पास टोटल लेटर तो छह हैं और छह में से चार लगाना है तो परमुटेशन। सॉल्व कीजिए इसको, छह लेटर, छह माइनस चार लेटर, ठीक है? तो सिक्स लेटर, छह में से चार गया दो लेटर, छह पांच चार तीन दो, और ये दो कट गया बच्चों, तो कितना आ गया? छह चार तिया बारह, बारह छह बहत्तर, बहत्तर पंजे कितना हो गया भाई? 350 और 10 और 750, या ऐसा कर लो यार, 6 5 30, 30 चौके 120, 120 360 हो गया खत्म, 360 आ गया बच्चों। अब आता है सेकंड, सेकंड आता है ऑल द लेटर्स, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। सभी लेटर्स को यूज करना है, तो छह में से छह को, छह फैक्टोरियल, छह माइनस छह फैक्टोरियल, छह फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल, आपको अच्छे से पता है जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? वन। और छह फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और इसका मतलब होता है 720। ठीक है जी, अगला, ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल। देखो बच्चों अब देखना ध्यान से, थर्ड क्या बोला है कि सारे लेटर यूज करने हैं, सारे लेटर यूज करने हैं, लेकिन पहला लेटर क्या होना चाहिए? पहला लेटर वोवल होना चाहिए। अब आप ये पहले चेक कीजिए कि आपके पास कितने वोवल हैं और कितने कॉन्सोनेंट हैं, आपको ये पता करना है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तो वोवल देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ वोवल्स, हाँ जी नंबर ऑफ वोवल ए है और ओ है, ठीक है, और कोई तो नहीं है? नहीं जी, दो। और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने बच गए? चार बच गए। कितने बच गए? चार। आइए तो शुरू करते हैं। ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मेरे पास है भैया मंडे, ठीक है, जिसमें से मेरे पास दो वॉवल हैं, जिसमें से मेरे पास कितने वॉवल हैं? दो वॉवल हैं। अच्छा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमें। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास छह लेटर हैं, अगर आपके पास छह लेटर हैं तो भाई उसने कहा स्टार्टिंग करनी है किसी एक वॉवल से, स्टार्टिंग करनी है किसी एक वॉवल से, मतलब मान लो अगर आपने ओ से शुरू की तो बाकी पांच इसमें, ठीक है, और अगर ए से शुरू किया आपने तो बाकी पांच इसमें, मतलब आपको पांच तो फिक्स करने ही करने हैं, पांच तो आपको उलट पुलट करने ही करने हैं, इट मीन्स पांच फैक्टोरियल का उलट पुलट तो आपको करना ही करना है, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी काम शुरू होना है। क्या? कि भाई जितने भी लेटर हमें, जितने भी वर्ड बनाने हैं वो किससे स्टार्ट होने चाहिए? वोवल से स्टार्ट होने चाहिए। और कितने वोवल हैं हमारे पास? दो, मतलब एक बार ओ यूज कर सकते हैं और एक बार ए यूज कर सकते हैं। क्या जरूरी है पहले ओ करोगे बाद में ए? ये भी तो हो सकता है पहले ए यूज कर लो बाद में ओ, यानी आगे पीछे आप दोनों को यूज कर सकते हो, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में क्या, कितने वोवल? दो वोवल। और इसी के साथ आपका आंसर आता है 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 × 2 में 2, और ये होता है 120 और ये 240। तो मतलब 240 तरीके से बच्चों आप लेटर वर्ड बना सकते हो विद और विदाउट मीनिंग, अगर वॉवल से स्टार्टिंग करते हो तो। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, फिर फटाफट मैं दूसरा करवाता हूं। मिसिसिपी हमने कर लिया था बच्चों, अब हम करेंगे परमुटेशंस। 11th क्वेश्चन नोट करो इसे।
चलिए मिटा देता हूँ, मिसिसिपी वाला हमने करा दिया। देखिए क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज इफ वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, ठीक है जी। और सेकंड कह रहा है वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, ठीक है। और सेकंड कह रहा है देयर आर ऑलवेज फोर लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। चलो ठीक, हाँ जी ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले द गिवन वर्ड इज परमुटेशंस, ठीक है। अच्छा अब बच्चों अगर ऐसी कंडीशन दी है तो आप पहले ये देखो कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा, पहले मैं देख लेता हूँ भाई, पी रिपीट नहीं हो रहा, ई रिपीट नहीं हो रहा, आर भी नहीं हो रहा, एम भी नहीं हो रहा, यू भी नहीं हो रहा, टी हो रहा है, ए भी नहीं हो रहा, टी तो हो ही रहा, आई नहीं हो रहा, ओ नहीं हो रहा, एन हो रहा, एस। हाँ तो भाई सबसे पहले नंबर ऑफ टीज, तो नंबर ऑफ टीज कितने, दो, ये याद रखना। और नंबर ऑफ ऑल लेटर्स कितने हैं बच्चों, तीन, तीन छः, तीन नौ और तीन बारह, ठीक है। अगला नंबर ऑफ ऑल वॉवल्स, हाँ भाई वॉवल कितने हैं, ई यू ए आई ओ, तो यानी कितने, एक दो तीन चार पाँच, सारे ही दे रखे हैं भाई। और नंबर ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स, तो भाई 12 में 5 के कितने कॉन्सोनेंट है, सात, 12 में 5 के कितने कॉन्सोनेंट आ गए, सात कॉन्सोनेंट आ गए, ठीक है। तो अगला भाई, पहला दूसरा तीसरा, ये तीन क्वेश्चन है। पहले में कह रहा है, फर्स्ट में वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, ठीक है भाई। पी से स्टार्ट करना है, एस से एंड करना है। तो एक बात बताइए, पी फिक्स कर दिया, एस फिक्स कर दिया अपनी जगह पे, अंदर के कितने बचे भाई, भाई 12 थे टोटल, 12 टोटल थे, पी और एस फिक्स कर दिया भैया पहले पे, स्टार्ट विद पी यानी पहले पे, एंड विद एस यानी लास्ट में, तो अंदर कितने बचे 12 में से, अब 10 बचे, तो बस नाउ द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा जल्दी बताओ, विद और विदाउट मीनिंग निकालना है, तो 10 फैक्टोरियल, कुछ रिपीट हो रहा है, हाँ जी टी हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल, सॉल्व कर दो, 10 गुना 9 गुना, उसके बाद 8 गुना 7 गुना, फिर क्या होगा, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल कट गया। बच्चों मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई करते रहो, ठीक है। 10 को मैं करूँगा नहीं, 5 चौक के 20 या 60 होता है, ठीक है, 9 अट्ठे 72 होता है, और 7 से करेंगे, हाँ भाई अब करो, 10 गुना 60 गुना 72 सत्ते कितना होगा भाई, 4 1 7 49 और 1 50, 6 10 ये हो गया 600, ये कितना हो गया 600, इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, अंदर मल्टीप्लाई करो, हाँ भाई 6 चौक 24 का 4 रह गया 2, 6 दुनी 12 और 2 14 और 6 3 18 और ये 00, तो इतना अरेंजमेंट आएगा बच्चों, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है ऑल वॉवल्स आर अकर टुगेदर, और वॉवल्स आर अकर टुगेदर, ठीक है जी, ऑल वॉवल्स आर अकर टुगेदर। अच्छा बच्चों अगर अकर टुगेदर चल रहा है तो पी अपनी जगह पे, आर अपनी जगह पे, यू एम यू अपनी जगह पे, टी टी फिर कौन है, एन एस, अंदर कौन बचा, ई U A I O, ठीक है, ये पांचों बचे। अब बताओ इसका अरेंजमेंट कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट जल्दी बता दो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे निकालोगे, हाँ जी सबसे पहले एक दो तीन चार पांच छ सात, एक दो तीन चार पांच छ सात, सात सात तो ये हो गए, और आठवां ये पूरा, आठवां ये पूरा अकर टुगेदर के लिए, क्योंकि जब अकर टुगेदर वाली बात आती है तो उसको एक यूनिट मानते हैं, तो ये आ गया 8 फैक्टोरियल, ये क्या आ गया 8 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन इसके अंदर टी रिपीटेड है, टी रिपीटेड है कितनी बार, दो बार, तो ये रहा दो। लेकिन अब मुझे ये बताओ, अब मुझे आप लोग ये बताओ क्या जी,
ये पांच भी तो आपस में उलट पलट होंगे कि नहीं होंगे, जल्दी बता दो, ये पांच भी तो आपस में उलट पुलट होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। और जब ये पांचों आपस में उलट पुलट होंगे तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे बच्चों, पांच फैक्टोरियल, क्या कहेंगे, पांच फैक्टोरियल। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि अभी जो भैया आपने लास्ट क्वेश्चन कराया सर, वो टू से मल्टीप्लाई किया, टू फैक्टोरियल से क्यों नहीं? अरे भाई टू फैक्टोरियल से ही किया था, क्योंकि टू फैक्टोरियल का मतलब भी टू इंटू वन इज इक्वल टू टू ही होता है, इसलिए टू से मल्टीप्लाई किया, लेकिन असल में करते हैं फैक्टोरियल से ही है, ठीक है। तो यहां पे आपको पांच से मल्टीप्लाई नहीं करना है, पांच फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि आप इन पांचों को उलट पुलट कर सकते हो, इधर उधर अरेंज कर सकते हो, और इसी के साथ आपका आंसर बनता है 8 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन में दो दो फैक्टोरियल, और फिर 5 का 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल। तो दो फैक्टोरियल से दो फैक्टोरियल कट गया, और ये 8 का क्या आ जाएगा भाई? ओ सॉरी, 8 में 7 भी तो होता है, और इसका आएगा 40,320, यही था। और मल्टीप्लाई में कितना जाएगा, 5 चौके 20 दिया 60, मल्टीप्लाई कर दो, 0 तो 0, ठीक है, ये आ गया 0 0, 6 × 12 = 2 1, और 6 × 3 = 18, और 1 × 19, 6 × 6 = 24, आंसर आ गया, ठीक है जी। हाँ भाई, अगला देखो, अब अगला कंसेप्ट क्या है, थर्ड कंसेप्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब कह रहा है बच्चों आपसे कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं कह रहा हूं कि पी और एस के बीच में 4 लेटर होना चाहिए, तो क्या ऐसा कहीं पर भी ये साबित हो रहा है कि भाई P आगे होना चाहिए, S पीछे होना चाहिए? ऐसा कहीं साबित नहीं हो रहा। बिटवीन P एंड S का मतलब है कि P इधर भी हो सकता है, S इधर भी, और ये भी हो सकता है कि P इधर भी हो सकता है और S इधर भी, दोनों के बीच में होना चाहिए, चाहे P और S कहीं पर भी हो, दोनों के बीच में 4 लेटर होना चाहिए, चाहे P और S कहीं पर भी हो। तो अब जरा ध्यान से सुनना, क्या सुनेंगे भाई, देखिए P और S जहां भी रहेंगे अपनी जगह पर रहेंगे फिक्स, जहां भी रहेंगे अपनी जगह पे क्या रहेंगे, फिक्स। लेकिन 10 को तो अरेंज करना ही पड़ेगा, 10 को तो अरेंज हमें क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। पी और एस अपनी जगह पे जहां पर भी रहेंगे वो रहेंगे अपनी जगह पे फिक्स, लेकिन 10 को तो हमें अरेंज करना ही है, ठीक है। 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, ठीक है, पी एंड एस। अब मुझे एक सीधी सिंपल सी बात बताइए, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब देखो, अब इतना सा आप खुद सोचो, इफ यदि पी और एस की बात करूं मैं, अगर मान लो मैं पी को पहले नंबर पे रखता हूं, ठीक है, अगर मैं पी को पहले नंबर पे रखता हूं तो इसके बीच में 4 लेटर डालने पड़ेंगे, यानी 1 2 3 4, तो यानी कि जो एस आएगा वो कौन से नंबर पे आएगा, 5वें नंबर पे, सही बात है। लेकिन अगर पी को मैं दूसरे नंबर पे रखता हूं तो एस किस पे होगा, 1 2 3 4 तो होगा अगला ये, तो यानी 6ठे नंबर पे, 3 पे रखता हूं तो 7वें पे, 4 पे रखता हूं तो 8वें पे, 5 पे रखता हूं तो 9वें पे, ठीक है, अगला 6 पे रखता हूं तो भाई किस पे, 10वें पे, 7 पे रखता हूं तो किस पे, 11वें पे, ठीक है, 9 और 3 12, ठीक है। और अगर यहां रखता हूं तो फिर 1 2 3 4, पहले पे रखता हूं तो 5, दूसरे पे रखता हूं 6, तीसरे पे रखता हूं तो भाई 7, देख लो ध्यान से देखना। हाँ भाई, अगर दूसरे पे रखता हूं तो, दूसरे पे रखता हूं तो दूसरा तीसरा चौथा 5वें पे आ गया, दूसरे पे रखता हूं तो
तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अच्छा सातवां आएगा भाई, सॉरी यहाँ सेवन आएगा, यहाँ पर एट आएगा, यहाँ पर नाइन आएगा, यहाँ पर टेन आएगा, यहाँ पर इलेवन आएगा और यहाँ पर ट्वेल्व। अब आठवें पे तो रख ही नहीं सकता, क्यों? आठवें पे रखूंगा तो चार इसके अंदर और पांचवा ऐड, तो तेरह, और तेरह डिजिट तो है ही नहीं, लेटर तो है ही नहीं हमारे पास, लेटर हमारे पास कितने हैं? बारह। अब इसी तरीके से ये भी तो हो सकता है, अब इसी तरीके से ये भी तो हो सकता है कि एस को मैं पहले नंबर पर रख दूं, पी को मैं पांचवें पे, एस को मैं दूसरे पे, पी को सातवें पे, एस को तीसरे पे, पी को आठवें पे, एस को चौथे पे तो पी को नौवें पे, इसको पांचवें पे तो इसको दसवें पे, इसको छठे पे तो इसको ग्यारहवें पे, इसको सातवें पे तो इसको बारहवें पे। तो कुल मिला के कितनी नई कंडीशन बनी भाई, हम पी और एस के बीच में सात वेज सात तरीके से रख सकते हैं, और एस और पी के बीच में भी कितने तरीके से रखते हैं? सात तरीके से रख सकते हैं। तो बताइए नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या बना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो मैंने आपको यही सिखाया ना बच्चों कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट, दो तो अपनी अपनी जगह फिक्स करते जा रहे हैं, ठीक है, बाकी बचे कितने? 10 फैक्टोरियल, और रिपीट कौन हो रहे हैं? टी, तो उससे कर दो डिवाइड। मल्टीप्लाई में भाई पी और एस ने अपनी अपनी जगह कितने तरीके से रखी है? सात तरीके से, तो ऐसे रखी है पी और एस के बीच में, और सात तरीके से कैसे रखी है? एस और पी के बीच में, तो सात तरीके से पी और एस के बीच में, सात तरीके से एस और बी के बीच में, तो टोटल कितने तरीके हो गए? 14 तरीके। बस इसी को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर देना आंसर आपके सामने। तो जल्दी से इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो शुरू करें बच्चों, ये हो गया होगा, एक बार फिर से समझ लो, मुझे पता है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पी और एस के बीच में, मतलब अगर पी पहले नंबर पे तो एस पांचवें नंबर पे, पी दूसरे पे तो एस सातवें पे, तीसरे पे तो आठवें पे, चौथे पे नौवें पे, इसी तरीके से पी और एस, फिर इसी तरीके से एस और पी। क्यों रखा हमने एस और पी? क्योंकि बिटवीन का मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि जो चीज पहले लिखी गई है वो पहले और जो चीज बाद में लिखी गई है बाद में, ठीक है। बिटवीन पी एंड एस का मतलब यह है कि इधर से भी देख सकते हैं, बिटवीन पी एस का मतलब है इधर से भी देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। कभी बिटवीन का मतलब ये नहीं होता कि जो चीज पहले रखी गई है वो पहले और जो चीज बाद में रखी गई है वो बाद में, उसको हम रिप्लेस करके भी। आज जैसे मैं बोल देता हूं कि मान लो पांच बच्चे राम और सोहन के बीच में बैठे गए हैं, ठीक है, राम और सोहन के बीच में बैठे हुए हैं पांच बच्चे, ठीक है, तो क्या जरूरी है राम इधर ही बैठा हो? हो सकता है भाई राम इस तरफ बैठा हो, सोहन इस तरफ बैठा हो, ये भी तो हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? बस राम से सोहन देखना है, तो बस हमने राम से सोहन की तरफ देख लिया, चाहे लेफ्ट टू राइट देख लो चाहे राइट टू लेफ्ट, बस देखना आपको राम की तरफ से, ठीक है। तो बस यही कंडीशन है, पी से एस चाहे लेफ्ट से राइट देख लो, पी से एस चाहे राइट से लेफ्ट देख लो, ठीक है। चलिए इसे उतारिए, फिर एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ, फिर परमुटेशन खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंडिपेंडेंस डे पे, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आपको कॉम्बिनेशन खत्म भी करा दूंगा और मिसलेनी शुरू करा दूंगा, मतलब ये मान के चलो ये एक या डेढ़ क्लास का और रह गया मेहमान, ये चैप्टर एक से डेढ़ क्लास का मेहमान, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर भी शुरू कर देंगे, नाइन्थ एपीजीपी। चलिए हाँ जी, अब आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 16, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसके साथ परमुटेशन खत्म, फिर कॉम्बिनेशन नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ गिवन वर्ड इंडिपेंडेंस, द गिवन वर्ड इज इंडिपेंडेंस,
इंडिपेंडेंस, ठीक है जी। ये है, अब आपको अच्छे से पता है इसमें रिपीट होने वाली बहुत सारी दुनिया दिखाई दे रही है, ठीक है। आई एन डी ई पी ई एन डी ई एन सी ई, तो यानी ये है। अब देखो रिपीटेड क्या क्या है, जो जो रिपीट है वो आई है, नहीं है जी, एन है, हाँ जी है, नंबर ऑफ एंस, नंबर ऑफ एंस, एंस कितने, एक है, दो है, तीन है। अगला नंबर ऑफ, हाँ जी, डी रिपीटेड है, हाँ जी है, नंबर ऑफ डीज, तो एक और दो ही दिखाई दे रहा भाई। अगला नंबर ऑफ ईज, ईज बताना कितने बच्चों, एक दो तीन चार, चार है। अगला पी नहीं है, ई तो हो गया, एन हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एन हो गया, सी हो गया, खत्म, बस यही है। अब आगे बोला है कि भाई फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, चलो भाई यूजिंग ऑल लेटर्स कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे करेंगे। चलो पहला पहला नहीं, असल में बच्चों इसके अंदर क्वेश्चन आपको चार दिखाई दे रहे हैं लेकिन है पांच। सबसे ऊपर देखो, पहले ही बता दिया फाइंड द नंबर ऑफ द लेटर ऑफ गिवन वर्ड इंडिपेंडेंस, वो पांचवा क्वेश्चन था जो बच्चे छोड़ देते हैं और गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका अरेंजमेंट निकालना है। नाउ तो हम क्या कहेंगे, अरेंजमेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ गिवन वर्ड, हाँ भाई, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, तीन, तीन छः, तीन नौ और तीन बारह, ये बात यहां पे लिख लेना, टोटल नंबर ऑफ लेटर लेटर्स ये 12, टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स ये भी लिख लेना। कोई है चक्कर इसमें वॉवल का, देखना जरा, वॉवल वॉवल दिए हुए, हाँ भाई वॉवल दिए हुए, तो टोटल नंबर ऑफ वॉवल है आई ई ई ई ई, पांच हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट ये भी लिख लेना, तो कितने बचे, सात। तो भाई नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हुए बच्चों हमारा, 12 फैक्टोरियल, ठीक है जी। और 12 फैक्टोरियल के बाद जो जो रिपीट हो रहे हैं वो से डिवाइड कर दो, तो रिपीट एन कितनी बार, तीन बार, मल्टीप्लाई डी कितनी बार, दो बार, ई कितनी बार, चार बार, सॉल्व करो, सॉल्व करो, 12 12 फैक्टोरियल ना, 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल, और 3 गुना 2 गुना 1, 2 गुना 1 4 फैक्टोरियल, चार चार कट गया, हाँ भाई 3 दूनी 6 कट गया, किसको काटे किसको काटे किसको काटे, 2 से 8 कटेगा 4, तो कितना आ गया, 12 गुना 11 132 होता है, ठीक है। और 10 गुने में 5 50 होता है, 9 गुना 4 गुना 7 आ गया, ठीक है। और 132 गुने में 50 चौके 200 होता है, ठीक है, 9 गुना 7, अब क्या होगा, 9 दूनी 1800 हो गया, और फिर क्या होगा, अब ये 7 से मल्टीप्लाई कर दो पहले इसको, 7 से इसको मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 4 1, 7 या 21 और 1 22, 2 7 एकम 7 और 2 9, अभी आ गया 0 0, 18 चौके कितना होता बच्चों, 72 का 2 रह गया 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना हो गया, 43 का 3 रह गया 4, 18 निम्न 144, नहीं, 162, 162 और 4 166, तो इतना आंसर आएगा बच्चों कट पिटा के, ठीक है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर फर्स्ट, अब मैं कोई सॉल्व नहीं कराऊंगा, आप सिर्फ सिंपल सिंपल, ठीक है। अगला है डू द वर्ड स्टार्ट विद पी, लो जी, डू द वर्ड स्टार्ट विद पी, हाँ जी, पी से वर्ड स्टार्ट करना। अब एक बात बताओ, सीधी सी है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा बच्चों, जल्दी बता दो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट जब पी से स्टार्ट करना है तो बाकी कितने बच गए, अगर मैं पी को पहली बारी में रख दूं, पी से स्टार्ट करना है तो बाकी कितने बचे, बाकी बचे हमारे पास 11, तो बस बात खत्म, 11 फैक्टोरियल, और जो जो रिपीट हो रहे हैं उससे डिवाइड कर दो, 3 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल से। और आंसर में बच्चों, एग्जाम्पल के आंसर में पहले ही दिया हुआ है कि सॉल्व होके तुम्हारा कितना बनेगा, सॉल्व होके बनेगा 138600, ये आंसर तुम्हें खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अगला पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड में है ऑल द वोवल अकर टुगेदर, ऑल द वोवल अकर टुगेदर, ऑल द वोवल्स अकर टुगेदर, हाँ जी, चलो जरा सबको टुगेदर कर दें जी, आई तो है नहीं, एन डी ई भी नहीं है, पी ई
NDENC, अंदर क्या उन बचा, चार बार ई बचा और एक बार आई बचा, ठीक है जी। ऑल वोवल अगर टुगेदर के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 और ये पूरा क्या बनेगा 8, ठीक है ना। तो 8 फैक्टोरियल तो ये, रिपीट कौन हो रहा है, एन 3 बार और डी कितनी बार, 2 बार, डी कितनी बार, 2 बार। ये तो बच्चों आठवां क्यों माना हमने, क्योंकि ऑल वोवल अकर टुगेदर को हम क्या लेके चलते हैं, एक सिंगल यूनिट। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप ये भी तो देखो, हम आठों को लेके चल रहे हैं सही बात है, लेकिन ये पांचों भी तो आपस में उलट पुलट होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या इन पांचों में कोई रिपीट कर रहा है, हाँ जी कर रहा है, कौन कर रहा है, ई, कितनी बार, 4 बार, बात खत्म। अब तुम बोलोगे कि 4 यहां क्यों नहीं लिखा, यहां इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इन सब को एक सिंगल यूनिट मान के चल रहे थे, और यहां पे क्यों लिखा, क्योंकि ये 5 फैक्टोरियल इनके आपस का मामला है, ठीक है, इस वजह से। और सॉल्व करने के बाद बच्चों आंसर आ रहा है 16,800, थर्ड पार्ट, ऑल द वॉवल्स डू नॉट अकर टूगेदर, डू नॉट अकर टूगेदर। तो बस आपको पता ही है कैसे करेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे होगी जल्दी बता दो, ये होगी ऑल अरेंजमेंट माइनस अकर टूगेदर, माइनस अकर टूगेदर। मतलब ऑल अरेंजमेंट कितनी है, 1,663,200 माइनस 16,800, ठीक है। तो ये आपका कुल आंसर देगा बच्चों 1,664,600 ये आंसर आएगा, यानी ऑल अरेंजमेंट में से अकर टुगेदर माइनस कर दोगे तो आएगा डू नॉट अकर टुगेदर। और फोर्थ लास्ट पॉइंट कह रहा है, डू द वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड विद पी, आई से शुरू करना है, पी से खत्म करना है, स्टार्ट विद पी एंड एंड विद आई, बस बात खत्म, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। हां जी भाई, जब पी से शुरू और आई से खत्म करना तो बाकी के 10 ही तो बचे, तो बाकी के 10 कितने हैं, बाकी के 10 बचे, 10 फैक्टोरियल जो रिपीट हो रहा कर दो, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, रिपीट करके आंसर लिखोगे और आपका आंसर आएगा 12,600, क्या लिखेगा, 12,600। और इस तरीके से बच्चों आपके लिए ये एग्जाम्पल नंबर 16 भी खत्म होता है, जो मैंने इसका एक एक पॉइंट आपको समझा दिया है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ परमुटेशन खत्म, आपको अपनी अगली क्लास में कॉम्बिनेशन का टॉपिक पढ़ाया जाएगा और कॉम्बिनेशन को समझाया जाएगा, और जो कि एक बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और आपको करने में भी काफ़ी मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कॉम्बिनेशन की क्लास में, और कॉम्बिनेशन खत्म करके फिर एक क्लास, यानी मैक्सिमम 2 क्लास का और ये चैप्टर रह गया है, 2 क्लास बाद ये खत्म करके APGP शुरू करेंगे। चलिए बाय।